नमस्कार, सुप्रीम पावर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रीति। अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जबलपुर से, जहां देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने महिला से नौकरी दिलवाने के नाम पर यौन शोषण किया, उक्त आरोप महिला ने पत्रकार वार्ता में लगाए हैं। यौन शोषण के खिलाफ अब पीड़ित महिलाएं युवतियां खुलकर सामने आने लगी हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें बड़े बड़े धुरंधर जमींदोज हो गए। एक नया मामला पूरे जबलपुर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के कुलपति पर नौकरी दिलवाने के नाम पर यौन शोषण का आरोप लगा है। महिला ने इस बात का खुलासा करने बाकायदा पत्रकार वार्ता की। महिला ने कुछ सबूत दिलवाने दिखाने का भी दावा किया है। हालांकि कुलपति ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार संजीवनी नगर गढ़ा में रहने वाली महिला ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि करीब एक वर्ष पहले अपने कुत्ते का इलाज कराने के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल पहुंची थी, जहां पर समय पर इलाज न मिलने से कुत्ते की मौत हो गई। इस बात की शिकायत करने के लिए वे वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रयाग दत्त ज्वाल के पास गई, जहां पर प्रयाग दत्त ने नाम पता पूछकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान श्री ज्वाल से जान पहचान हो गई और उन्होंने महिला को नौकरी लगवाने के संबंध में चर्चा की। इसके बाद ही कुलपति ज्वाल ने शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर महिला ने मना कर दिया। 222 नंबर कुछ था वो रूम, वहाँ लेके गए थे 17/3/2018 पे, इतना मेरे को ध्यान है। अभी आपने कहाँ कहाँ शिकायत की इस संदर्भ में? शिकायत में को परेशान करते कि आपके बच्चे आप शरीर संबंधित मैं नहीं बनाना चाहती सर, तो परेशान करते थे मेरे को। मैंने कहा आप नहीं लगवा रहे तो मत लगाओ, तो फॉर्म वाम भी ऐसे भर दिए थे मेरा। अब भरे कि नहीं भरे, अब वो एक्चुअली हो जाने भरे कि नहीं भरे मैं नहीं जान सकती। बच्चों की नौकरी के लिए कहा था? मेरी भी कहते कि तुम्हारी लग जाएगी, 40 साल की हो तो तुम्हारी भी लग जाएगी, तुम्हारी नहीं लगे तुम्हारे बच्चों की लगा दूँगा। क्या काम बोला था मैंने, किस चीज़ की नौकरी? पानी मैंने ऑफिस में लगा लूँगा। ऑफिस में क्या फ्यून के लिए लगा? फ्यून के लिए बोले थे कि पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं तो फ्यून के लगा देंगे, बच्चे भी पढ़े ना लिखे होंगे बच्चों को रख लेंगे। अभी आप थाने गई थी, महिला थाने, क्या हुआ उस महिला थाने में? मैंने थाने में बोले एकदम से, तो मैंने लिए जो आपसे बोल रही हूँ वही बोली कि मैं मैडम को बात करने के जरिए सही, मैं कुछ रिपोर्ट करने के उससे भी नहीं आई, तो मैडम लेके गई, मैडम से पूछ ली। अब आप क्या चाहती हैं? कार्रवाई चाहते हैं सर, वो धमकी देते हैं, मेरे को भी तो जान के लिए खतरा है सर। हम बोलते आप लगा दो, माने सर्विस लगा दो, तो शरीर संबंधित बनाने को हमेशा प्रोस करते, मैं काम नहीं करूँगी मैं, इसलिए मेरे पेट में भी जलन होती है खूब ज़्यादा, और ज़्यादा बाथरूम लगती, मेरे को लैट्रिन लगती है, ब्लड प्रेशर मेरा लो रहता है, अब मेरा भी शरीर नहीं चलता, इसलिए मैं भी आर्डर का खाने का करती बाहर, थोड़ा सा मायके से हो जाता है। अब मेरे भी बच्चे दो हैं, मैं भी तो चाहती हूँ ना कि थोड़ा सा, बोले तो चलो कच्ची नहीं तो कच्ची में लगा दूँ मैं, इसलिए अब जो उनकी पर्सनैलिटी हुई जाने में। अभी आपकी जीविका कैसे चलती है, क्या काम करती है? अभी तो मैं मायके में रहती हूँ मैं, अभी मेरे पति भी तो ख़त्म हो ही गए, थोड़ा बहुत मदद कर देते, ऑर्डर का हो जाता थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, जो भी मिल जाए मैं सर काम कर लेती हूँ। यहाँ नहीं रहता मैं, मायके में नहीं, मेरे को जानकारी देना नहीं मैं इस जगह नहीं, मैं फिर घर से भी बेघर हो जाऊंगी, बच्चों को पता चलेगा तो बच्चों से भी हो जाऊंगी, फिर मेरे को तो आत्महत्या ही करना पड़े, यहाँ मरे जाऊँगा मरना तो है मेरे को। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए जबलपुर से अजहर खान की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए।